आ रहे हैं अक्षय कुमार जमकर सबको हंसाने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। अक्षय कुमार पिछले कई समय से देशभक्ति के बेस पर फिल्में बना रहे थे, लेकिन अब उनका मूड चेंज हो गया है। अब वो दर्शक को जमकर हंसाना चाहते हैं। बता दूं कि अक्षय कुमार आखिरी बार हाउसफुल 3 में कॉमेडी करते हुए दिखे थे। अब इसके बाद अक्षय कुमार के हर फैंस अक्षय कुमार को कॉमेडी फिल्मों में देखना चाहते हैं। तो बता दूं कि आ रही अक्षय कुमार की 3 सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्में जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होने वाली है। सबसे पहली फिल्म गुड न्यूज। बता दूं कि गुड न्यूज फिल्मों में अक्षय कुमार के साथ करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी भी होंगे, और ये फिल्मों में आपको रोमांस और जबरदस्त कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा। और अक्षय कुमार की ये फिल्म 2019 में रिलीज होने वाली है। दूसरे नंबर पर है हाउसफुल 4। हाउसफुल, हाउसफुल 2 और हाउसफुल 3 के बाद अब आने वाली है हाउसफुल 4। अगर आप हाउसफुल सीरीज के सारे पार्ट देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि इस सीरीज में कितनी कॉमेडी देखने को मिलती है। या बता दूं कि हाउसफुल की हर सीरीज में जबरदस्त कॉमेडी का तड़का लगता है, और अक्षय कुमार की ये कॉमेडी सीरीज सबसे टॉप पर है। बता दूं कि हाउसफुल 4 में अक्षय कुमार के साथ बॉबी देओल और रितेश देशमुख भी देखने को मिलेंगे, और ये फिल्म रिलीज होने वाली है दिवाली 2019 पर। और तीसरी है हेरा फेरी 3। हाल ही में गोल्ड फिल्म के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 को लेकर कंफर्म किया है, जहां उन्होंने कहा है कि ये फिल्मों को मैंने साइन भी कर दी है, और ये फिल्म रिलीज होगी 2020 में। अगर भारत में सबसे ज्यादा कॉमेडी फिल्म पसंद की गई है तो वो है हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी। तो इसके बाद अब आने वाली है हेरा फेरी 3। तो बता दूं कि इस फिल्म को लेकर हर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और ये फिल्मों में लीड रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल होंगे, और ये फिल्मों की शूटिंग शुरू होने वाली है 2019 के स्टार्टिंग में। तो फ्रेंड्स, आप कितने एक्साइटेड है अक्षय कुमार की ये 3 कॉमेडी फिल्मों को लेकर, वहाँ हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफ स्टार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।